आज से 15 मिनट तक प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज यहाँ पे हूँ मैं। मैंने एक फाउंडेशन रिव्यू वीडियो शूट की है, ये एयर ब्रश फ्लॉलेस फाउंडेशन फ्रॉम शार्लेट टिल्बरी, एंड काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसकी फिनिश देखिए कितनी मजेदार है। मुझे लगता है कि ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे होगी, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर से देखिए। मैंने ना जब ये फाउंडेशन लगाया, मैंने मेरे फेस को सेट नहीं किया है, तो अब कर लेती हूँ थोड़ा सा। वैसे इसकी फिनिश इतनी अच्छी है, आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। सो फ्लैट ब्रश पे थोड़ा सा मैं पाउडर ले रही हूँ, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। बहुत अच्छी कवरेज है इस फाउंडेशन। रेड लिप्स लगाए हैं मैंने, क्योंकि मैंने आपके लिए एक रेड लिप्स वाली लुक भी शूट किया है। मेरा एवरीडे का इनका मेकअप एंड रेड लिप्स, आई डोंट नो वो आपने देख ली होगी या नहीं। सो अब रेड लिप्स को रिमूव करेंगे, क्योंकि रेड लिप्स हस्बैंड कहेंगे तू वो डिलार परी बन के क्यों आ गई है। ओह बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं मैंने मेरे लिप्स पे कौन सी रेड लिप्स लगाई है, मैक की रूबी वू बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, और मैक के अदर जो शेड्स मुझे पसंद है अगर आप जानना चाहते तो बताना, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बनाने के बारे में सोच रही थी। एंड ऑल्सो मैंने उसको टॉप अप किया था ये सफोरा की रेड लिप्स के साथ, नंबर है 01। बहुत 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 प्यारा शेड है हमारी ब्राउन स्किन के लिए। रेड लिप्स को रिमूव करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आपका फेस का मेकअप भी खराब हो जाता है। सो ज्यादा नहीं करेंगे हम। हम कामयाब हो चुके हैं। अब मैं लगाने वाली हूँ मेरा आजकल का इंडा पसंदीदा शेड मिलानी का लिप लाइनर स्पाइस। इससे मेरे लिप्स को लाइन कर लूंगी थोड़ा सा। मिलानी के इस लिप लाइनर की शेड बहुत अच्छा है, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छी है, बहुत क्रीमी है, और ब्राउन स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसको यूज करके कोई सा भी लिप शेड यूज कर सकते हैं। अगर आप एक ही लिप लाइनर खरीदना चाहते हैं ना, तो मिलानी का स्पाइस खरीदें। अगर आप इससे लाइन करके इसी से फिल कर लें, तब भी आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। मैं आपको दिखा देती हूँ सफल जिंदगी। आजकल ना मैं मेरे मेकअप एरिया को क्लीन कर रही हूँ, और बहुत सारी चीजों को मैं सोट रही हूँ, तो मैंने देखा, और सोट इसलिए रही हूँ क्योंकि एक्सपायर हो चुकी है, मैं नहीं सोट रही हूँ फालतू में। एंड मैंने देखा कि मेरे पास मिलानी के ये वाले जो लिप लाइनर है ना, स्पाइस 7-8 है, कोई इन्ना जा कोई इन्ना जा, मतलब कि मैंने इन्ना पसंद है, मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना पसंद है। और अब इस पे एक लिप शेड भी लगाऊंगी, ये लिप शेड बहुत प्यारा है। सो ये है मेबलिन का सुपर स्टे इंक क्रेयॉन, जो शेड का नाम है वो है लीड द वे, नंबर है 15। ये बहुत प्यारा शेड है ब्राउन स्किन के लिए, और अगर आप शार्लेट टिल्बरी का पिलो टॉक खरीदना चाहते हैं तो ये शेड खरीद ले पहले, क्योंकि ये उसका डूप है। डिट्टो सेम है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने वो पहना है या ये। सो महंगी लिपस्टिक लेने से पहले सस्ती लेके टेस्ट कर ले, अगर आप फिर नहीं ले वो नाली थोड़ा काम चल जाएगा। प्यारा नूड है ये, आई मीन लो कि पिलो टॉक करते रहते, शेड प्यारा आया। सो अगर आप सोचे आपने स्मोकी आई करके रखी है, तो ये लिप शेड कितना क्यूट लगेगा उसके साथ। सो इस तरह हमारा लिप शेड हो चुका है डन। अब मेरे पास करने के लिए काम है एक, मैं जाना चाहती हूँ सफोरा। वो क्यों? मेकअप खरीदने के लिए नहीं, और मेकअप एक्चुअली मुझे टेस्ट करना है, क्योंकि अभी VIB सेल आने वाली है, तो सेल में खरीदूंगी मैं चीजें। थोड़े शेड टेस्ट करने जाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं ये हुडा का फॉक्स कंसीलर लेना चाहती हूँ, एंड एक दो नए फाउंडेशन ट्राई करने हैं, तो उसके शेड में टेस्ट कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है कि उसको मंगाऊं शिपिंग में एंड फिर बाद चेंज करूं। सो मैं मेक श्योर करके परफेक्ट चीज मंगाना चाहती हूँ, एंड दूसरा मेरी स्किन केयर फिनिश होगी। आजकल जो मैं स्किन केयर कर रही हूँ ना, इनकी लिस्ट की, उससे शायद मेरी हाइपर पिगमेंटेशन में हेल्प हो रही है, एंड वो खत्म हो चुकी है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। सो मैं वो चाहिए मुझे। सफोरा मुझसे दूर नहीं है, 6-7 किलोमीटर दूर है, सो मैं जाने वाली हूँ। पर जाने से पहले एक कंसर्न है, वो है कि आज हिम्मत की भंगड़ा क्लास है, हस्बैंड का जिम है, 12 भाई हुए हैं, हिम्मत की भंगड़ा क्लास 2:30 है। सो मुझे अभी से जाना पड़ेगा, ताकि मैं वापस आ जाऊँ उसकी क्लास तक, अदरवाइज हिम्मत को तोड़ के जाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब मैं मिलूंगी आपको अगले दृश्य में। नमस्कार। ओके सो मैंने अर्लियर जब हस्बैंड अपनी जिम में एंड हिम्मत अपनी क्लास में गया था, तो राजमा कुक कर लिए थे, उन दोनों को मैंने फीड कर दिया है राजमा राइस। एक्चुअली मैंने पिछली बार ना राजमा थोड़े ज़्यादा बॉईल करके रख लिए थे, ताकि मैं फ्यूचर में कुक कर लूँगी। एंड अब मेरा डिनर का सॉर्ट आउट हो चुका है, एंड हिम्मत के लंच बॉक्स का भी, क्योंकि जब राजमा कुक करते हैं तो वो लंच में राजमा लेके जाता है। तो हस्बैंड एंड हिम्मत के साथ मैं पार्क गई थी, वापस आ चुकी हूँ, क्योंकि मैं चाय का कप पीना चाहती थी, एंड बहुत लेट नहीं पीऊँगी मैं। एंड फिर मैंने देखा कि मैं ना करेले लेके आई थी अदर डे, और मैं भूल गई हूँ, और इसको नमक लगा के रखना चाहती हूँ, ताकि ज़्यादा कड़वे नहीं बने, और करेले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको काट लिया है मैंने, अब नमक लगा दिया, कल कुक करेंगे। अब आराम से चाय पीते हैं, एंड अपना कोई फेवरेट टीवी शो देखते हैं। आजकल मैं प्रिटी लिटिल लायर्स देख रही हूँ, बहुत मज़ेदार नहीं है वो, बट टाइम पास के लिए अच्छा है। सो माय टी इज़ ऑलमोस्ट रेडी। एक्चुअली मैं 2 टी बैग यूज़ करती हूँ, वो इसलिए चाय थोड़ी स्ट्रांग अच्छी लगती है।
यार पता नहीं, जब भी मैं कुछ चाय पीने के बारे में सोचती हूँ कोई ना कोई काम ही याद आ जाता है। मेरी चाय ठंडी हो जाती है और फिर जब हस्बैंड आते हैं तब मैं बैठ के चाय पीने लगती हूँ और उनको लगता है कि मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ। ये मेरे साथ ही क्यों होता है कि जब मैं कुछ कर रही हूँ वो किसी को नहीं दिखता है, जब मैं नहीं कर रही हूँ वो सबको दिखता है। क्या ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही होता है या आपके साथ भी होता है? सो गुड। ओके दोस्तों, गाइस पति पैंट्री में कुछ लब रहे हैं की लबन ने पंसारी की दुकान में काजू खा रहे हैं। गाइस काजू, हाँ मेनू काजू देते तो ही प्यारे, मेनू काजू देनी आप मूंगफली खानी एनी की उड़ारू ऑन ना 19:05 ते ऑन हो जानी। कुछ विचार दो अपने पार्क च की कीता मेरे बिना। पार्क च तुहाडा दिल लग गया ही मेरे बिना। बड़ा वधिया, बड़ा वधिया दिल लगा। क्यों फिर मेरी मिंटा कर रहे हैं यार 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 यार। कई बड़ी मातो आज जंदी है। Now tell me something about yourself. बहुत जी तो ही ऐडा लर्न किया है कि tell me something about yourself. My name is ऐडा इंट्रोडक्शन ही ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਆ। ਲਾਈਕ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਟੈਲ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਤੋ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ। ਬਹੁਤ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇ ਕੀ ਹੋਗੀ ਗਾਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਬ ਵੀ ਕਹੀਂ ਪੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੇ ਜਾਓ ਤੋ ਆਪਕੋ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਕੀ ਕਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਣੀ ਹੈ। ओके सर, आप जिंदगी में क्या चाहते हैं? छुटकारा की। ओके सर, आप बताइए कि आप लोगों को एक मैसेज देना होगा तुम्हें कि अपनी जिंदगी किदा जियो, एक लाइन च की कहोगे? हाय नहीं मैंने पता लिया यार, एक दे बंदा वीडियो बना के मसी लब भज जाना एदा। तू ही किदा तो जॉब मिलनी है इंटरव्यू वाली? नहीं लानी मैं। ओके प्रटेंड करो कि मैं एक लाइक टीवी शो आ, प्रटेंड कर लो टीवी शो च तुहानू कोई तुसी इस काबिल आ कि तुहानू टीवी शो च मैं बुलाया आ तुहाडे तो पुछण लई, तुसी एदा भज जाओगे? ओके गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आए जेड़ा बंदा आ ना, इन्हू मैं जानती हूँ कम से कम 15 साल से। मैं प्रूव होया ते पैनू कई बार तो इनकी शक्ल देख के ना अजीब ही लगता है। पर समझ नहीं आता कि मैं तुहानू किदा जानदी आ, इन्नी ज्यादा तुहाडी अखां च बस गई ना मेरी चेहरा। और गाइस इन्ना मेरे हस्बैंड ने मैनू परेशान किया आ, सारा दिन इनका चेहरा देखती हूँ मैं और दूजा मेरे सपनों में भी आ जाते हैं। तो ये बहुत मेरे सपने जी की करना ना मैं की कर दो मेरे कलो कर मेरे सपनों नु ते कल्ला छोड़ दो की कर दो मैं कुछ ना कुछ कर दे। जब तो मेरा कोई सपना आंदा मैं देखती हूं किधर आ जाना इन्हें, किधरों ते आई जाना फिर कोई उधरों हो जाऊंगा हो जी की काम नहीं तू तो भी खानी नहीं कुछ ना कुछ करन आ जाने मैं लगा मैं काम कर दूंगा। गाइस मेरा सपना मुझे किसी भी देश का हो, कुछ भी मेरे सपने जो कंफ्यूजन चलन दिया ए बंदा उठे आ जांदा कुछ भी करन ले। मैं लगा कि तू ही मेरी अखां च ते बसे होया मेरे सबकॉन्शियस माइंड च भी बस। ओके दोस्तों, तो बहुत बार मेरे सपनों में ऐसा होता है कि कोई ना खुद ही नहीं छड़ना जितने भी तू जाएंगी ना। मेरे सपनों में बहुत बार ऐसे होता है कि कोई ना नेचुरल डिजास्टर हो रहा है और मैं ना सारे नु बचाने की कोशिश कर दिया, सेवियर बन दिया। पहला मैं बंदे नु कर दिया बाहर। एक बार क्या हुआ कि कोई सुनामी आ रही थी और हम किसी घर में बंद हो गए थे और दूसरे लेवल की विंडो से मैं पहले, मेरी नानी भी थी उस सपने में, मैंने नानी को निकाला, हिम्मत को निकाला, फिर पति को निकाला, फिर बाकी दुनिया को निकाला, फिर मतलब समय बच गया मेरे निकलने का भी। मैंने हमेशा ऐसा आंदा to know more about you. ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੋਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ओके एक चीज दस दो मेरे बारे कुछ भी तू ही दस दो कुछ भी मेरे बारे मैं देखूंगी कि साचा कि झूठा बड़ी प्यारी है हां दैट्स ट्रू कुछ और प्यारी है जेड़ा मैं ना पता होए आई हैं कर देनी है बिना गल तो तू ही कहने ना तेरा डांस नहीं आता मैंने कि लिस्टर पंदे टिक 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 डाली शहर में मारो घाग रोज घूमियो वो घूमियो वो घूमियो वो तो सभी एक गल ना आज स्टेप पंदा था मैं दादा थोड़ी ना और सैनी बन गए हैं मत टेंशन ओके बहुत दस्यो एक गल मेरे बारे जेडी तनु पता और मैं कहूंगी कि हां 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 एदा ही है सियाणी है तू यार मेरी कोई आदत बारे दसो कि मैं एदा कर दिया जेडी चीज मैं करना वो टाइम सर कर दी नहीं है जल्दी कर दे फिर कर दे नहीं आ यार नुक्स नहीं कड़ने कोई बढ़िया चीज दसो मेरी पर्सनालिटी बारे तेरी किस्मत बहुत बढ़िया आ यार मेरी एवरीडे पर्सनालिटी क्या चीज मैं ऐदा कर दी हां या जेडी मैं कहूंगी कि ओ यार या यार दस आई जिदा मेनू तुहाडे बारे पता कि तू ही लेजी आ ऊपर जा जांदे ऊपर ही रह जांदे थल्ले ही रह जांदे ऊपर कोई चीज नहीं भेजो वापस आने ही नहीं तू क्या हो गया है भूल गया मेरे दसो ऐदा मेरे बारे कोई दसो तू प्रोएक्टिव और कुछ बढ़िया औरत हां रोटी खवाती है खाना नहीं चाहते है खाना वैसे मैंने डिनर बना लिया था और इसी तरह वी आर डन मैं आज आ रही हूँ वीडियो को एडिट करने के लिए आज मैंने वीडियो को एडिट करी हूँ शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश फाउंडेशन जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा वही लगाया है मैंने और या आई होप आपने वो ऑलरेडी वीडियो देख ली होगी टॉप चेंज कर लिया मैंने कल वाला पहन लिया फिर पता नहीं क्यों वो एक वीडियो शूट करनी थी उसमें मैं लाल कपड़े पहनना चाहती हूँ सो यस दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो करें मैं मिलूँगी आपको कल नए वीडियो पर तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग यू गाइस कैन डू एनीथिंग बाय लालू